राज्य सरकार के कामगार विभाग व बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल मुंबई की ओर से पंचायत समिति परिसर में पंजीकृत कामगारों को सेफ्टी व घरेलू किट का वितरण किया जा रहा है। इसमें अनियमितता बरतने से संतप्त कामगार उग्र हो जाते हैं, इससे परिसर में तनाव का माहौल बन जाता है। ऐसी ही स्थिति मोहाड़ी में भी निर्माण हो गई थी। किट जिन कामगारों ने पंजीकृत कराया है उनको मिलना चाहिए, लेकिन 8000 कामगारों ने अपना नाम पंजीकृत कराया है लेकिन केवल 1000 बुकलेट आने से दूर दराज के गाँव से आने वाले कामगारों को बैरंग लौटना पड़ा था। कामगारों को वितरित की जाने वाली किट में 14 तरह का सामान होता है, जिसमें जूते, ग्लोव्स, मास्क, हेलमेट, रस्सी, जैकेट, बैटरी, रस्सी का समावेश है। कामगारों का कहना था कि जब तहसील के कामगारों के लिए पर्याप्त मात्रा में किट उपलब्ध नहीं है तो अन्य तहसील के लोगों को क्यों दी जा रही है। इस पर राकद नेता सुरेश रहांगडाले एवं जिला परिषद सदस्य शुभांगी रहांगडाले ने बीडीओ मोहाड़ी से भेंट की। सभी कामगारों को सुचारू रूप से किट का वितरण करने की मांग की गई।